हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये दो रंगों की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स आप वूलन ब्लाउज, कार्डिगन, बेबी कैप, सॉक्स किसी भी पैटर्न पर मेंशन कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप फ्रेंड्स जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। ये देखिए बैक साइड से इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी आएगी बनने के बाद। बैक साइड भी अच्छी लग रही है, इसमें देखिए बिल्कुल भी कहीं से धागा निकला हुआ नहीं पता चल रहा है। और फ्रंट साइड भी तो बहुत ही प्यारी लग रही है, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो आप लोग ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाइए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको दो रंगों का बनाया है, ये सिंगल कलर की भी डिज़ाइन बन सकती है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 के मल्टीपल फंदे रखे हैं, यानी 5 के मल्टीपल हमने यहाँ पे फंदे रखे। तो टोटल हमने यहाँ पे 60 फंदे लिए हैं। अब मैं जो आप लोग को बताऊंगी वो छोटे फंदे में बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, कम फंदे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 25 फंदे लिए हैं, 5 के फंदे के मल्टीपल लिए हैं हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 25 फंदे लिए। 25 फंदे लेने के बाद फ्रेंड्स, 25 फंदे लेने के बाद हमने यहाँ पे 2 सलाई की निटिंग कर ली है। तो मैं आगे की साइड आ गई हूँ, अब डिजाइन बनना हमारा शुरू होगा। तो चलिए हम डिजाइन कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं। पहले फंदे को एज स्टिच ऐसे उतार लेना है। उसके बाद देखिए एक फंदा हमने उतारने के बाद एक फंदा उल्टा बुनना है। ये देखिए शुरू से हमारी ये डिजाइन बन रही है। एक फंदे हमने उल्टा बुना, फिर उनको पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे, पहले फंदे को हमने एज स्टिच स्लिप किया, उसके बाद एक फंदे को हमने उल्टा बुना, उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर उनको अपनी साइड लाएंगे। 4 फंदे यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फ्रेंड्स उनको पीछे की साइड ले जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। देन हमने उनको अपनी साइड लाए, फिर हम यहाँ पे 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने उल्टा बुना, उनको पीछे ले गए, एक फंदा सीधा, उनको अपनी साइड लाया, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। देखिए फिर उनको पीछे ले गए, एक फंदा सीधा, उनको अपनी साइड लाए, 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुना, फिर उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना और इसको हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे इसको मैंने कैसे बनाया है। 5 के मल्टीपल जब आप फंदे रखेंगे, 5 के मल्टीपल जब आप फंदे रखेंगे तो ये डिजाइन अपने आप ये बनती हुई जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एक फंदे उतारे, उसके बाद एक फंदा यहाँ पे देखिए उल्टा मैंने बुना, एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद हमने क्या रिपीट किया है, 4 फंदे उल्टे 1 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे 1 फंदे सीधे, ऐसे लास्ट तक हम करते हुए आए हैं। अब हम बैक साइड आ गए हैं, तो पीछे की साइड से आपने क्या करना है, जो फंदे हमने पीछे की साइड करना है फ्रेंड्स, जैसे जो हमने आगे की साइड उल्टा बुना है उसको सीधा बुनेंगे और जो सीधा बुना है उसको उल्टा बुनेंगे। देखिए उनको अपनी साइड लाएंगे, इसको हम उल्टा बुनेंगे और ये देखिए इस साइड से हमारा उल्टा उल्टा बुन किया है गार्टर स्टिच। तो हम क्या करेंगे, पीछे की साइड से इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये 4 फंदे हमने आगे की साइड सीधा सीधा बुना था, 4 फंदे उल्टा उल्टा, और पीछे की साइड से इन्हें 4 फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद उनको अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, जस्ट उसका अपोजिट बुनना है। जैसे हमने पीछे की आगे की साइड से 4 उल्टा बुना था, 1 सीधा, ऐसे हम पीछे की साइड से 4 सीधा बुनेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे। 5 के मल्टीपल ये हमारी डिजाइन बन रही है। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारे 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर उनको अपनी साइड ले जाएंगे, सॉरी पीछे की साइड, फिर यहाँ पे 4 फंदे हम सीधे बना रहे हैं, उनको अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, पीछे की साइड एक फंदा सीधा,
एक उल्टा, ये देखिए ये हमारी दो रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हम थर्ड रो में आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पहले फंदे को हमने एज स्टिच उतार लिया, ऊन को अपनी साइड लाएंगे एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे की साइड ले गए एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी साइड लाएं चार फंदे हम उल्टा बनाएंगे। ये आगे की साइड का डिजाइन है, चार फंदे हमने यहाँ पे उल्टा बनाना है। ऊन को पीछे ले गए एक फंदा सीधा बुना हमने यहाँ पे, देखिए आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। फिर एक फंदा सीधा बुनने के बाद ऊन को अपनी साइड लाएंगे और यहाँ पे हम चार फंदे उल्टा बनाएंगे। देखिए ये चार फंदे हमने उल्टा बनाए, फिर ऊन को पीछे की साइड ले गए और यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया, ऊन को अपनी साइड लाएंगे, चार फंदे को हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए देखिए, फिर एक सीधा चार उल्टा, एक दो तीन चार, उसके बाद एक सीधा एक उल्टा लास्ट वाला, ये देखिए। फिर पीछे की साइड से आपने वही करना है जो अभी हमने रिपीट किया था, उल्टे पे सीधा सीधे पे उल्टा। देखिए इसको एज स्टिच हमने उतार लिया पहले फंदे को, ऊन को अपनी साइड लाए एक फंदा उल्टा बुना, चार फंदे हम सीधा बुनेंगे, दो तीन चार, ऊन को अपनी साइड लाए एक फंदा हमने उल्टा, चार फंदे हम सीधे, एक दो तीन चार, फिर एक फंदा उल्टा। बहुत इजी डिजाइन है, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे भी बहुत खूबसूरत लगेगा अगर आप लोग सिंगल कलर डालेंगे। और अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसे दो कलर का बनाइए, बहुत इजी है और बहुत जल्दी ये बनता भी है। देखिए हमारी अब ये फोर रो कंप्लीट हो गई है, चार सिलाई, चार हमने पीछे से बुन लिया चार आगे से। देखिए हम यहाँ पे काउंट करेंगे, एक दो तीन चार, चार गार्टर स्टिच हमने बुने हैं। अब देखिए इतना हमने बुन लिया है, ये देखिए 1 2 3 4, जैसे व्हाइट कलर के हमने चार सिलाई। अब ये वाली डिजाइन बनेगी हमारी जो हमने यहाँ पे येलो कलर की बनाई हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर जोड़ेंगे। पिंक में व्हाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है, आप दो कलर कोई सा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए येलो और व्हाइट का मैंने बनाया है, और आप ध्यान रखिए एक डार्क कलर ले और एक व्हाइट, सॉरी लाइट कलर, तो बहुत ही अच्छा बन के आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे व्हाइट कलर को जोड़ लेते हैं। देखिए हमने एक मैजिक लूप लिया यहाँ पे और इसमें डाल के हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया, देखिए ऐसे एक फंदा बुना एक फंदा, और इसमें हम सब सीधा सीधा ही बुनेंगे डिजाइन वाला। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने चैन बनाया है फ्रेंड्स, केयरफुली देखिएगा आप लोग, जो यहाँ पे चैन हमने बनाया है ये वाला, एक सीधा फंदा बनता था तो लास्ट वाले में देखिए एक दो तीन चार, चार चैन यहाँ पे बने हैं, चार सिलाइयों का, तो लास्ट वाले में हम ले जाएंगे और यहाँ से देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया। इसको लूज बनाना है, ये वाली जो डिजाइन वाले फंदे बन रहे हैं इसको लूज, ना ज्यादा लूज और ना ही ज्यादा टाइट, एक फंदा हमने बुना। उसके बाद देखिए सलाई के ऊपर से एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाएंगे, यानी देखिए एक फंदा हमने बुना ऐसे, उसके बाद ऐसे को हम एक फंदा बढ़ा लिए। अब जस्ट इसके ऊपर वाले चैन में हम डालेंगे, देखिए ऐसे, फिर इसके ऊपर चैन बढ़ाया, फिर जस्ट इसके ऊपर तीन बार हम बना लिए, फिर इसके ऊपर हमने एक फंदे बढ़ाए, रैप करते हैं हम, फिर देखिए यहाँ पे, और फंदे को हमने ढीला ढीला ही निकालना है। ये देखिए अब क्या करना है, हमने ये वाले फंदे को हम बुन लेंगे, ये देखिए ऐसे को,
उसके बाद ये चार फंदे हमने सिंपल बुनना है, एक दो तीन चार, चार फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए फ्रेंड्स। अब फिर हमारा यहाँ पे चैन वाला आ गया, तो लास्ट में पहले हम बुनेंगे एक नॉर्मल फंदा, हम एक लास्ट में बुन रहे हैं, देखिए इसको खींचेंगे थोड़ा, इसका लूप बड़ा करेंगे, फिर उनको हम सलाई के ऊपर ले जाएंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले से हम डाल के बनाएंगे देखिए, और उनको अपने लूप को लूज छोड़ना है, ये देखिए ये, फिर ऐसे इसके ऊपर ले गए और यहाँ पे उसके ऊपर वाले चैन में हम बनाएंगे, चार बार हमने बनाना है, फिर देखिए ये यहाँ पे देखिए हमने चार बार बना लिया, फिर लास्ट में इस फंदे को हम बुन देंगे, ऐसे हमारी डिजाइन ये बन रही है देखिए। फिर एक दो तीन चार, चार फंदे फिर हमने बीच में बुने, और फिर हमारे यहाँ पे एक चैन आ गया जो हमने सीधा बुना था, उसी को मैं चैन बोल रही हूँ। देखिए एक फंदे हमने पहले उतारा, बुना, यहाँ से निकाल दिया लूप को, यहाँ पे हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं, अब फंदे हम बढ़ाएंगे, सिलाई के ऊपर आपने रैप करना है, फिर देखिए दो तीन, फिर देखिए इसके ऊपर ले गए एक चार, ये देखिए फिर लास्ट में हमने एक फंदे बोल लेने हैं, ये देखिए ऐसे को, फिर यहाँ पे हम चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर लास्ट में हमने ऐसे ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड से ये बना के ऐसे पीछे को आ गया, पीछे आपने ध्यान देना है क्या करना है, देखिए एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया, उनको अपनी साइड लाएंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे दो फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बनाया है, फिर देखिए ये जो हमारी डिजाइन वाली टोटल आठ फंदे हैं फ्रेंड्स, आपने गिन लेना है, एक दो, पूरे हमारे यहाँ पे आठ फंदे होंगे, तो इन आठ फंदों को हम पीछे की साइड से उल्टा बनाएंगे, एक ही साथ सारे फंदे में से हम इसको निकाल देंगे, ये देखिए सलाई को, फिर चार फंदे हम बीच के, एक दो तीन चार, चार फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर यहाँ पे आठ फंदे हमने बनाना है, ऐसे आपने काउंट कर लेना है, ये आठ फंदे जो हम बढ़ाए थे उसको हम एक साथ बुन दिए, फिर उनको पीछे की साइड ले जाएंगे, चार फंदे, एक दो तीन चार, चार फंदे जो हमारे गैपिंग के हैं वही चार फंदे हम बुन रहे हैं, बाकी ये आठ फंदे हमारे टोटल, इसको हमने इकट्ठे बीन देना है देखिए ऐसे को, फिर उनको पीछे की साइड ले गए, इन चार फंदों को हमने बना लेना है, उनको अपनी साइड लाएंगे, इकट्ठे वाले जो फंदे हमने बनाए हैं इनको एक साथ बुन देंगे, फिर देखिए एक दो तीन चार, फिर उनको अपनी साइड, और यहाँ पे हम आठ फंदे बुन लिए, लास्ट में हमारे यहाँ पे दो फंदे बच रहे हैं, तो इनको हम सीधा बुन देंगे दोनों फंदे को, ये देखिए पीछे की साइड से ये डिजाइन ऐसी। अब फिर आगे की साइड से हमने क्या करना है, फिर हमारी ये नीचे वाली रिपीट होगी, फिर से चार सलाई हमने फिर से बुनना है, चार सलाई आगे से चार सलाई पीछे की, तो देख लीजिए आप लोग केयरफुली, अब वाइट कलर से हम बनाएंगे, तो पहले फंदे को हमने ऐसे उतार दिया, एक फंदा हमने यहाँ पे आगे की साइड आ गया, एक फंदा उल्टा बुना, फिर ये डिजाइन वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे एक फंदा,
उसके बाद उनको आगे किया, चार फंदे हमने उल्टे बनाए, जैसे अभी हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, चार फंदे उल्टे एक फंदा हमने सीधा, यही सीधे वाले पे हमारी डिजाइन बनती है। फिर देखिए यहाँ पे हम चार फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, और पीछे की साइड से सीधे पे सीधा उल्टे पे, सॉरी पीछे की साइड से उल्टे पे सीधा सीधे पे उल्टा बुना जाएगा। फिर देखिए, देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए बना के, ये यहाँ पे चार सलाई आगे से चार सलाई पीछे की डिजाइन बनाते हुए अब हम आगे की साइड आ गए। अब फिर हम पिंक कलर से ये डिजाइन बनाएंगे, तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो पहले फंदे को, इसमें हम सभी फंदे को बीनेंगे क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा कलर लगा रहे हैं। दो फंदे हमने बनाया, तीसरे पे हमारी ये डिजाइन बन रही है। तो एक फंदा हमने ऐसे उतार लिया, इसका लोब को बढ़ा देंगे, फिर सलाई के ऊपर लपेटा, दूसरे उसके ऊपर, फिर सलाई के ऊपर लपेटा, फिर ये तीसरी वाले में, फिर सलाई के ऊपर लपेट के ये चौथी वाली में, और लास्ट में इसको हम गिराएंगे नहीं, इसको भी हम बना देंगे ये देखिए। फिर बीच में जो एक दो तीन चार, फिर यहाँ लास्ट में पहले एक लूप निकालेंगे, उसके बाद इस पे हम लपेटेंगे फंदे को, दो फिर तीसरी बार हमने बुन लिया, लास्ट में एक फंदे और लपेटेंगे, चौथी बार बनाएंगे और इसको हम फिर से बुन देंगे ये देखिए। फिर यहाँ पे बीच में गैप है, एक दो तीन चार, फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में हम ले गए, लंबी लूप निकाली हमने यहाँ पे, फिर इसके ऊपर हमने रैप किया सलाई के ऊपर दो बार, देखिए तीसरी बार रैप करके निकाले हम, लास्ट में एक फंदा और निकालें और इसको हम बुन देंगे। फिर सेंटर में एक दो तीन चार, ये देखिए चार फंदे, फिर यहाँ पे एक बार निकाला, फिर लपेटा इसको, एक बार हम बिना लपेटे निकालेंगे फंदे को, तीन बार लपेट के हम निकालेंगे ये देखिए, लास्ट में एक फंदे हम ऐसे बुन देंगे। बीच में फिर चार फंदों की गैपिंग, दो तीन चार, फिर यहाँ पे देखिए दो तीन, लास्ट में एक फंदा हम लास्ट वाले लूप में ले जाके बनाएंगे, फिर इसको हम बुन देंगे, बाकी के सभी फंदे को हमने सीधा सीधा बुन दिया। बैक साइड से अभी मैंने जो आप लोग को बताया सिर्फ वही रिपीट होगा, ये चार फंदे उल्टे सीधे सीधे बुने जाएंगे और ये जो फंदे हैं आठ आठ फंदे इकट्ठे उल्टा बुना जाएगा। देखिए ये हमारी डिजाइन ऐसी ही बनकर आती है, ये देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन बन के आई है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करें फ्रेंड्स। देखिए दोनों कलर पे बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये पिंक और वाइट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, येलो और वाइट भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोनों लाइट कलर हो जा रहा है फ्रेंड, तो इसलिए इतना अच्छा इसका लुक नहीं आ रहा है। और लेकिन इसका देखिए पिंक और वाइट तो बहुत ही खुलकर आ रहा है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।